आईटीसी लैब्स। मैं कुछ वैल्यूज अंडरडोज भी मिली, तो तभी मैंने ब्रांड के पास भी फोन किया कि भाई तुम तो कहते प्रोडक्ट सही है बिल्कुल, तो ये कैसे आ रहा है भाई? दारू का गिलास है पर मैं पीता नहीं हूँ, सही में नहीं पीता। के गान भाई सबके, तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। अभी मैंने एक सप्लीमेंट ब्रांड का प्रोटीन मंगाया और इसे मैं लैब टेस्टिंग के लिए लेके जा रहा हूँ। और जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उनके पता होगा कि मैं एक ब्रांड के साथ पहले ही वर्क कर रहा था, पर उसमें मेरे को रिसेंटली पता चला कि मेरे साथ थोड़ा स्कैम हो रहा था, क्योंकि मैं एक डायरेक्टली ब्रांड के साथ वर्क नहीं कर रहा था, एक बीच में एक एजेंसी थी बीच में, और जो मेरी रियल वैल्यू थी वो मुझ तक सीधी प्रोवाइड नहीं हो रही थी। पर वो बातें छोड़ो, मेरे रोने धोने की मेरी आदत है ही नहीं वैसे भी। तो जब से मेरे को पता चला उसके बाद से मैं थोड़ा कि बीच में मेरे को काफ़ी दूसरे ब्रांड से स्पॉन्सरशिप वगैरह अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, पर वो उन पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने सोचा ठीक है भाई, वर्क कर ही रहा हूँ, पहले ही सही ब्रांड है, क्यों ज़्यादा देखा। तो पर जब से मेरे को ये बात पता चली, तो हाल ही में मैंने और दूसरे ब्रांड से बात करी, और उन्हीं में से एक ब्रांड का ये प्रोटीन सप्लीमेंट है। अगर मैं किसी भी ब्रांड के साथ वर्क कर रहा हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो भी प्रोडक्ट मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि वो अच्छा हो सही में। तो इसी वजह से उसकी लैब टेस्टिंग के लिए लेके जा रहे हैं, और ये मैंने खुद अपने पैसों से मंगाया, ऐसा नहीं है कि ब्रांड ने मेरे को भेजा है कुछ अलग भेजा हो, अमेजोन से मंगाया खुद, और अभी तक इसकी बिल्कुल पैकिंग भी खुली नहीं है। और अभी लैब में लेके जा रहे हैं इसे टेस्टिंग के लिए, और वहीं पर जाके ही खोलेंगे इसे। तो भाई पहुंच गए हम आईटीसी लैब्स, इंटरस्टेलर टेस्टिंग सेंटर। और इसका भी हम टेस्ट कराने वाले हैं, प्रोटीन कंटेंट का, अमीनो एसिड प्रोफाइल का भी, ताकि ऐसा ना हो कि जो चीप अमीनो एसिड्स होते हैं वो ज़्यादा डाल रखे हों, ये अमीनो एसिड्स प्रोफाइल भी अच्छी है, इंसुलिन स्पाइक नहीं है, जिसकी वजह से प्रोटीन कंटेंट पूरा आ जाता है। और अभी तक देख लो पैक्ड है, अभी इनके सामने ही खोलेंगे, और साथ में हैवी मेटल्स का भी टेस्ट कराएंगे हम इसका। तो जैसा भाई तुमने देख ही लिया होगा कौन सा ब्रांड है। हाँ, बिग मसल है, जानबूझ के मैंने ब्लर नहीं किया वीडियो में कि ऐसा ना लगे कि भाई और ही कोई प्रोडक्ट था, अब चेंज कर दिया है। और ये मैंने मंगाया भी रैंडमली और किसी के नाम की आईडी से, अमेजोन से मंगाया, और फिर उसका लैब टेस्ट करवाया है, और रिपोर्ट भी आ गई है, कल शाम को ही आ गई थी, पर फिर मेरे को जिम भी जाना था, और साथ ही में इसमें कुछ वैल्यूज अंडरडोज भी मिली, तो तभी मैंने ब्रांड के पास भी फोन किया कि भाई तुम तो कहते प्रोडक्ट सही है बिल्कुल, तो ये कैसे आ रहा है? तो वो भी इशू रिजोल्व हो गया, वो मैं बताऊंगा कि क्या इशू था। तो इसका प्रोटीन कंटेंट और हैवी मेटल्स की रिपोर्ट पहले ही आ गई थी, अमीनो प्रोफाइल की कल शाम को आई है, अमीनो प्रोफाइल में ज्यादा टाइम लगता है, 7 से 8 दिन लगते हैं। तो इसका प्रोटीन कंटेंट बताऊं तो 37 ग्राम का स्कूप है, और उसमें 25 ग्राम प्रोटीन है, और उसमें 24.33 ग्राम आया गया है, जो लिख रखा है वही बता रहा हूँ। तो फिर इतना एरर तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सही बताऊं तो किसी भी प्रोडक्ट में आ सकता है, थोड़ा बहुत मेजर करने में या वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, 0.77 ग्राम का एरर, कोई भी हैवी मेटल नहीं है इसमें। और ये सारी पिक्चर्स भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे ऐड कर दूंगा, और किसी को खुद देखना है तो इशू जो था वो था कि कुछ वैल्यूज अमीनो प्रोफाइल में अंडरडोज मिली गई। तो फिर मैंने भी तभी ब्रांड से बात करी कि भाई ऐसे कैसे है कि तुम तो करते बिल्कुल सही है, तो ये इशू कैसे आ रहा है? तो उसमें पता चला कि थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन कह सकते हैं, गलती हो सकती है, क्योंकि लैब ने वो 37 ग्राम का जो स्कूप है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू कर दी, वरना हम अमीनो प्रोफाइल को 100 ग्राम के हिसाब से करते हैं, पर 37 ग्राम के हिसाब से वो अमीनो प्रोफाइल बिल्कुल सही थी, पर हम उसे कंपेयर करने लगे 100 ग्राम से, तो ये थोड़ा हो गया था, पर 37 ग्राम के हिसाब से अमीनो प्रोफाइल बिल्कुल सही थी, और अगर हम उस वैल्यू को 100 ग्राम में कन्वर्ट करें तो भी बिल्कुल सही आ रहा था, तो उसमें भी कोई इशू नहीं था। तो इसके प्रोटीन पूरा हैवी मेटल्स भी नहीं है, और ना ही कोई अमीनो स्पाइकिंग है, इंसुलिन स्पाइकिंग है कि भाई कोई सस्ता अमीनो ज्यादा डाल दिया है उस वजह से प्रोटीन कंटेंट पूरा है, तो जितने भी अमीनो प्रोफाइल जैसी होनी चाहिए वैसी है, तो प्रोडक्ट में कोई भी इशू नहीं है। और जब प्रोटीन कंटेंट और हैवी मेटल की रिपोर्ट आई तो उसके बाद से मैंने खुद भी ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, तो मेरे को 3-4 दिन हो चुके हैं इसे इस्तेमाल करते हुए। तो एक जो पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं इतने जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं उस हिसाब से 3 चीज़ों को हम मेजर करते हैं, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को देख रहे हैं इनके लैब के अलावा, कि आपका डाइजेशन कैसा हो रहा है, टेस्ट कैसा है, और मिक्सेबिलिटी कैसी है। तो मिक्सेबिलिटी मैं अभी आपके सामने दिखा रहा हूँ, पानी में पी रहा हूँ तुम लोगों की वजह से, वरना पानी में मेरे को प्रोटीन पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और पानी में तो मत ही पिया करो भाई, मैं तो कह रहा हूँ दूध में ही पिया करो, दूध में ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसकी मिक्सेबिलिटी दिखाऊं तो कि प्रोडक्ट की मिक्सेबिलिटी कैसी है,
ज्यादा किया भी है शेक, और मैं तो दूध में ही पीता हूँ वैसे भी। और जब 250-300 ml में भी मैंने दूध में लिया तो इस मिक्सेबिलिटी काफी सही थी, कोई लम्स नहीं बन रहे थे। और भाई दारू का गिलास है पर मैं पीता नहीं हूँ, सही में नहीं पीता, कोई भी लम्स नहीं है, बिल्कुल सही मिक्स हो रहा है। मैं इसके टेस्ट को पर्सनली रेट करूं तो मैं 7-7.5 रेट करूंगा। बेल्जियन चॉकलेट टेस्ट है, मैं इतना रेट करूंगा, मेरे को टेस्ट इतना ही पसंद आया, 7.5। और डाइजेशन की बात करूं कि सही बताऊं तो मेरे डाइजेशन में काफी रेयरली इशू आता है, फूड पॉइजनिंग वगैरह भी कमी होती है, डाइजेशन इशू कमी होता है। और एक कोई भी एक अच्छा प्रोटीन काफी इजी टू डाइजेस्ट रहेगा, आपके स्टमक पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालेगा, तो वो भी मेरे को कोई इशू नहीं आया ऐसा भी इस प्रोडक्ट में कि स्टमक पे इशू आ रहा है या हार्ड टू डाइजेस्ट है, काफी इजी टू डाइजेस्ट लगा मेरे ओपिनियन में, मैं कहूँ तो। पर जैसा कि बताया मेरे को रेयरली कभी डाइजेशन इशू आता है, मैं कुछ भी खा लेता हूँ मेरे बहुत कम डाइजेशन इशू होता है, टच वुड। तो लैब रिपोर्ट में कोई इशू नहीं है, मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन भी दे दिया है प्रोडक्ट पे, तो प्रोडक्ट में कोई इशू नहीं है। और साथ में बिग मसल का गोल्ड वे तो जस्टिफाइड वेरीफाइड भी हो चुका है, आप उनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, बिग मसल गोल्ड वे आ रहा है, तो यानी जो भी न्यूट्रिशन लेबल पे लिखा हुआ है वही इस प्रोडक्ट में है, कोई भी गलत चीज नहीं है, हैवी मेटल्स वगैरह नहीं है, वही चीज रिपोर्ट में आई पाई गई है। और जितने भी लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, उन्हें पता ही होगा कि जो मेरे बिलीव्स रहे हैं या मेरी वैल्यूज रही हैं कि मैं ऐसे ही किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करूंगा, अगर वो कर रहा हूँ तो उसमें सही ही होगा वो प्रोडक्ट, अगर मैं खुद कंज्यूम कर रहा हूँ तो अपनी बॉडी में खुद कभी नहीं चाहूंगा कि मैं कोई गलत चीज डाल रहा हूँ, और प्रमोट तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मेरी शुरुआत से ऐसी वैल्यूज रहे हैं। पर फिलहाल कोई भी इशू नहीं है प्रोडक्ट में, इसकी भी सलाह ले सकते हो, अगर इसकी सलाह हम मानोगे तो तुम अकियो, कोई भी इशू नहीं है ना इस प्रोडक्ट में, हम मना कर रहे हैं ये भी कि कोई इशू नहीं है। और मेरी ब्रांड के साथ यही बात हुई थी कि भाई प्रोडक्ट अच्छा होगा तभी मैं इसे प्रमोट करूंगा, और फिलहाल आपको काफी अच्छे रेट पे भी मिल रहा है ये प्रोडक्ट, तो फिलहाल कह सकते हैं आपके पास मौका है, और प्रोडक्ट में कोई भी इशू नहीं है। और साथ ही में धीरे धीरे आने वाले टाइम में, क्योंकि प्रोडक्ट सही है और काफी आप जेन्युइन क्रिएटर्स टीम में आते हुए देखेंगे बिग मसल की टीम में, क्योंकि मुझे सेंस नहीं बनती है कि जब प्रोडक्ट अच्छा है कोई इशू नहीं है उसमें तो कोई भी इसे क्यों नहीं प्रमोट करेगा। वो समझ सकता हूँ कि भाई पहले किसी भी चीज़ में या किसी की पर्सन की भी थोड़ी इमेज खराब हो जाए तो उसे दोबारा इम्प्रूव करना में थोड़ा टाइम लगता है, पर फिलहाल सही में प्रोडक्ट में कोई इशू नहीं है। और जल्द ही मैं हाइब्रिड ट्रेनिंग के बारे में और वीडियो बनाने वाला हूँ, और अपना कट भी जरूरी जल्दी करूंगा जिसे मैं डॉक्यूमेंट करूंगा, और उसमें भी आप मेरे को बिग मसल का यही प्रोडक्ट गोल्ड वे ही इस्तेमाल करते हुए देखेंगे हर एक वीडियो में। पर इस वीडियो के लिए इतना ही, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल।